मुझे मेरे मम्मी के पास जाना है, यह न्यूज़ हमने 2 तारीख को INBCN न्यूज़ पर दिखाई थी। प्रशासन ने उनके इस मांग पर किसी भी तरह की दखल नहीं ली। उसके बाद शमशाद अली इसने अपने 11 वर्षीय बालक शाहिन अली और उसके भाई के साथ निवारा गृह से अपने खुद के एक्टिवा से पलायन किया है। पलायन करने की यह घटना शुक्रवार की सुबह सामने आई है। प्रशासन से कई बार मांग करने पर भी प्रशासन के अनदेखी के चलते तानबद्ध किए हुए शिविरार्थी ने पलायन करने का मार्ग अपनाया। देश में कोरोना का संक्रमण ना फैले इसलिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की, जिसके बाद जगह जगह अटके हुए लोग घर की आस लगाए हुए बैठे है। 30 मार्च के दिन हिंगनघाट शहर में अन्य राज्य से पलायन करने वाले लोगों को पकड़ा गया। सरकार ने इनके लिए निवारा गृह और खाने की व्यवस्था भी की। तब शहर के संत तुकड़ोजी वार्ड के कमला नेहरू स्कूल में निवारा गृह में शाहिन अली और शमशाद अली, इन पिता पुत्र और सौमिन अली, इनके साथ स्थानबद्ध किए गए थे। निवारा गृह में आए तब से शाहिन अली इसने अन्न का एक भी दाना नहीं खाया था, जैसे मानो उसने अपने मांग के लिए अन्न त्याग का मार्ग अपनाया था। बस उसका कहना यही था कि उसे मम्मी के पास जाना है, तो उसी तरह पिता ने भी मम्मी तक पहुँचा दो यही गुहार प्रशासन से लगाई। तहसीलदार मुंदड़ा इनके तक भी यह गुहार पहुंचाई गई, लेकिन तहसीलदार द्वारा भी इस मांग को अनदेखा किया गया। लेकिन पुत्र प्रेम के चलते शमशाद अली इसने निर्णय लिया और लॉकडाउन के चलते भी पलायन किया।